आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की सुबह एक युवती के साथ खोराबाड़ थाना क्षेत्र में हुआ गैंग रेप। एसपी सिटी ने कहा युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया है। पंजीकृत घटना में शामिल अभियुक्तों को हिरासत में लेकर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में खपरैल का जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। सीएम योगी ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक व्यक्ति के परिजन को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ घायल का समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लड़की का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मृतक व्यक्ति के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। की जा रही है विधिक कार्यवाही। तिवारीपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीस कमेटी व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजनकर्ताओं के साथ आगामी त्योहारों को लेकर की बैठक। शांति व सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय चेतना उत्सव दृष्टि 2047 विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। कहा 3 दिनों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रचनाओं और विचारों पर विभिन्न विद्वान प्रकट करेंगे अपने अपने विचार। पिपराइज थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहार के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ की बैठक। मूर्ति विसर्जन रूट का बाइक से लिया जायजा। त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के दिए निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित। समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर जांच कर निस्तारण के दिए गए निर्देश। शैलेन मणि त्रिपाठी का एचजेएस में हुआ चयन। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यकारिणी के सदस्यों ने किया सम्मानित। कहा संपूर्ण न्याय सभी तक जिम्मेदारी से पहुँचाने का निर्वहन करने के लिए हमेशा रहूंगा प्रयासरत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में राजनीति विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। उनके जीवन पर की गई चर्चा। और गोलघर प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल सीपी सिंह ने कहा इस योजना के तहत 250 रुपए में 10 वर्ष तक बालिकाओं के खाता खोलकर पढ़ाई व शादी तक अच्छी रकम की किया जा सकता है व्यवस्था।